नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। सावन का महीना है, महादेव का महीना है। महिलाएं इस महीने में व्रत रखती हैं, महादेव शिव जी को मानती हैं और अपने मायके जाती हैं जहाँ पे अलग अलग कार्यक्रम होता है, झूला झूलते। इसी चीज़ को देखते हुए पीयूष शर्मा ने भाईंदर में एक कार्यक्रम रखा था, विशेष करके महिलाओं के लिए, सावन झूला महोत्सव, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में महिलाएं यहाँ पे आई और राधा रानी के गानों पे उन्होंने नृत्य भी किया। और यहाँ पे कई सारे ट्रेडिशनल डे का कार्यक्रम रखा गया था और यहाँ पे लकी ड्रॉ का भी रखा गया था। और यहाँ प्रमुख अतिथि के तौर पर सुमन नरेंद्र मेहता और माजी महापौर डिंपल मेहता और कई नगर सेवक यहाँ पे आए हुए। तो आइए बात करते हैं पीयूष शर्मा से और यहाँ के आए हुए महिलाओं से, उनके अंदर कितना खुशी और कितना उत्साह है। जी बिल्कुल, मैं सर्वप्रथम आज के इस सावन झूला महोत्सव में मैं सर्वप्रथम सारी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। यही सावन का महिला है जहाँ पे हर तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, चाहे दशामा हो, चाहे हमारे अभी अभी गणपति आएंगे, रक्षाबंधन आने वाला है, हमारा 15 अगस्त आने वाला है। ये सारे त्यौहार इसी महीने में मनाए जाते हैं। हरियाली और एक कहते हैं कि महिलाएं अपने पियर जाती है, मेहंदी लगाती है और उत्सव मनाने का त्यौहार जो रहता है तो यही महीने में आता है। आज एक ही दिन में इतना बड़ा अवसर मनाया गया महिलाओं के साथ, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रचा। मैं पीयूष शर्मा जी, अरुण शर्मा जी, सभी शर्मा फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले झूला महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो झूला महोत्सव में पीयूष जी और अरुण जी ने जो गैदरिंग की थी, दैट वॉज अमेजिंग। इतनी सारी महिलाएं जिस तरह से झूम रही थी, नो डाउट सारे अपने टेंशन छोड़ के यहाँ झूम रहे थे। और झूमना अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। कुछ न कुछ टेंशन से हर कोई गुजरते हैं। बड़े सावन महीना जो फर्स्ट आता है, फर्स्ट हमारा त्यौहार शुरू होता है, तीज बोलते हैं, कोई सावन बोलता है, हर क्षेत्र में मनाया जाता है। बट जिस तरह से त्यौहार शुरुआत करते हैं, काफ़ी त्यौहार शुरू यहीं से होते हैं, रक्षाबंधन ले लो, जन्माष्टमी बोलो और बहुत सारे त्यौहार जाते हैं। तो मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई और जिस तरह से सारी महिलाएँ इतनी ब्यूटीफुली तैयार हुए थे, इतनी सुंदर तरह से करे, छोटे से बड़े। मैंने यहाँ देखा मंच पे कोई छोटी 5 साल की बच्ची झूम रही थी, तो वहाँ कोई 45 साल की और 60 साल की औरतें भी झूम रही थी, जो देख के मन बहुत खुश हुआ। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट था राधा कृष्णा, उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि वो किसी भी रूप में आए, राधा कृष्णा वो हमेशा अट्रैक्शन रहते हैं सारे गोपियों के, सारे लोगों को। तो मैं स्पेशल पीयूष जी और अरुण जी को धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया एज एन चीफ गेस्ट ओवर हियर। तो मैंने इतने अच्छे, एक घंटा रही मैं जो 15 मिनट के लिए आई थी, और सारे फंक्शन इतने अच्छे से इंजॉय किया। तो स्पेशल थैंक्स टू पीयूष जी और अरुण जी जिन्होंने ये मुझे पार्ट बनने का मौका दिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट। और वापस से कहूँगी आते हुए सारे त्योहारों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सुमन मेहता की तरफ से। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जो भी माताएं, बहनें और मेरी धर्मपत्नी, सब ने इस कार्यक्रम में आनंद लिया। सावन झूला महोत्सव का एक हमारा एक छोटा सा प्रयास था महिलाओं के लिए कि सावन में तीज का जो वो हरियाली तीज होती है उसमें अपने पीहर में जाती हैं वो, तो वो अब गांव में जाना आना यहाँ पे उनके लिए एक समारोह होना चाहिए, ऐसा हमारी इच्छा थी, मेरी धर्मपत्नी की भी इच्छा थी। तो हमने सोचा एक क्यों ना पारिवारिक माहौल बनाएं और महिलाओं को आमंत्रित करें, और उनका बहुत अच्छा हमको प्रतिसाद भी मिला और आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, और उन्होंने आज लुत्फ़ उठाया कार्यक्रम का। और आपके माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि महिलाएं, नारी शक्ति जो है वो समाज का प्रतिरूप है, और वो इस कार्यक्रम में इतनी खुश होके गई हैं कि मुझे लगता है कि जो आशीर्वाद और उनका प्यार मुझ पर बना रहेगा तो मैं और भव्य तरीके से अगली बार सावन झूला महोत्सव का कार्यक्रम रखूँगा, और उनका प्यार मुझ पर इस तरह बना रहे ताकि मैं सामाजिक हित कार्य और भव्य तरीके से कर सकूँ और उनकी सेवा कर सकूँ। और ख़ास करके बोलना चाहूँगा आज के कार्यक्रम में, सावन झूला महोत्सव में, विशेष रूप से हमारे मुख्य अतिथि सुमन नरेंद्र मेहता जी, जो कि पॉलिटिकली कोई भी इवेंट में जाती नहीं है, पर आज परिवार के तौर पे, परिवार के सदस्य के तौर पे यहाँ पे उपस्थित रहीं और उन्होंने कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाई, और कार्यक्रम ख़त्म होने तक, समापन तक वो रुके। सबसे उन्होंने एक रिलेशन बनाया जो मतलब उन्होंने कंफर्टेबल फील कराया महिलाओं को, उसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया आकर, उनका दिल से धन्यवाद। शर्मा, आज का जो कार्य था
वो काफ़ी सफलतापूर्व हुआ है। हमें इतना भरोसा नहीं था कि इतने ज़्यादा लोग आएंगे और इतना हमें प्यार देंगे। एक्चुअली सीटें तो हमने सोची थी कि 250 से 300 तक की आएगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि 500 से ज़्यादा औरतें आ चुकी है। तो ये देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई है। और हमने यहाँ पे लकी ड्रॉ भी रखा था, हमने यहाँ पे ट्रेडिशनल बेस्ट प्राइज़ भी रखा था, गरबा भी बेस्ट प्राइज़ रखा था, और यहाँ पर हमने गरबा का भी परफॉर्मेंस रखा था जिसमें काफ़ी एजड आंटीज़ भी डांस कर रही थी। तो वो देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई कि यहाँ पर सारी औरतों ने अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दिया, और वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का फंक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा हो सकता है। बीइंग एज अ गुजराती, मैं गुजराती से मारवाड़ी फैमिली में आई हूँ, तो मुझे तो सावन झूला महोत्सव का मतलब ही नहीं पता था कि ये क्या होता है। लेकिन आज जाके पहली बार ये फंक्शन मैंने इतना एंजॉय किया कि मुझे ऐसा हो रहा है कि यार अब तो हमेशा होना ही चाहिए ये, और एक्सपेक्ट करती हूँ कि आगे भी हम ऐसे करते रहे। होप सो, भगवान करे कि आगे भी भगवान हमें उतना दे कि हम कर पाए। देखिए, पीयूष के साथ में मेरा जुड़ना ये ऐसा है कि पीयूष मेरे परिवार का सदस्य जैसा है, ये मेरे लिए मेरे बच्चे जैसा है। और ये जो सांस्कृतिक और कल्चर प्रोग्राम होते हैं, ये मुझे खुद को इन कार्यक्रमों से बहुत लगाव है। मैं राजस्थान में पैदा नहीं हुआ, पर मुझे मेरी मिट्टी से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, मेरे कल्चर से बहुत प्यार है। तो मैं चाहता हूँ कि भेंदर, मेरा भेंदर में काफ़ी संख्या में लोग राजस्थान से और उत्तर भारत से लोग रहते हैं, तो ऐसे कार्यक्रम उनके लिए होने चाहिए, क्योंकि गांव में तो होते रहते हैं पर यहाँ पर बॉम्बे में नहीं होते हैं। और मैं संस्कृति के को इतना अच्छे से पहचानता हूँ, इतना अच्छे से जानता हूँ, और मुझे पता रहता है कि कार्यक्रम की आवश्यकता क्या है, यहाँ की अपनी बहनों को, अपनी माताओं को क्या पसंद आएगा। मैं उनकी पसंद को रख के इस कार्यक्रम का आयोजन करता हूँ, इसलिए इस कार्यक्रम को माताओं ने अपार सफलता दी। उनकी प्रेजेंस से आपको पता चल सकता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। ये सब उनका प्यार है। और मैंने कल एक वीडियो जाहिर किया था इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कि सभी माताएं बहनें ये सोच के आए कि वो अपने पीहर आ रही है, उनके भाई उनके पलक पिछवाड़े बिठा के बैठे हैं, और उनका स्वागत के लिए उनका सिंधारा, जैसा राजस्थान के अंदर सिंधारा और तीज का कार्यक्रम होता है, वो स्पेशल सावन महीने में होता है, तो ये उनका सिंधारे के हिसाब से हमने कार्यक्रम किया था। और जितनी भी माताएं आए, मैं दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ और उनका धन्यवाद बोलना चाहूँगा। नमस्ते, मेरा नाम प्राची पुरोहित है। आज हम यहाँ झूला उत्सव मनाने आए हैं। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी अरुण जी और पीयूष जी, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल जमा दिया उन्होंने, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इन्वाइट करने। हाँ, मैं भी खुद मारवाड़ी हूँ, मैं समझती हूँ झूला उत्सव क्या होता है। मुझसे डांस करे बिना कंट्रोल नहीं रहा गया, तो मैंने भी एक डांस परफॉर्मेंस कर लिया। आज का फंक्शन जो पीयूष जी ने ऑर्गेनाइज किया है, वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। सारे फीमेल्स के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। आज सब लोग बहुत ही अलग अलग तरह से कलरफुल क्लोथ्स पहन के एकदम रेडी होके बहुत सुंदर लग रहे हैं। बहुत अच्छे से डांस किया, भजन सारे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। पीयूष जी ने बहुत अच्छा सावन का झूला, ये एक महोत्सव अच्छा रखा है। मतलब औरतों को तो वैसे भी मतलब मौका चाहिए कि ताकि वो एक गैदरिंग पे आए और इन्जॉय करें, तो ये काफ़ी का अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और मैं सबसे पहले तो पीयूष जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना बड़ा प्रोग्राम किए और उन्होंने इतना भीड़ इकट्ठा किया। सच में वो एकदम डिजर्व करते हैं। बहुत अच्छा लगा आज, बहुत अच्छा लगा। पीयूष को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम था ना, राधे कृष्ण बन के आए थे हम लोग गुजराती ट्रेडिशनल में, मुझे गिफ्ट भी मिला, फर्स्ट नंबर मिला मुझे। थैंक यू सो मच, डांस कर पाए बहुत अच्छा लगा, डांडिया भी खेले तो और अच्छा लगा हमको। थैंक यू, बहुत अच्छा था कार्यक्रम, बहुत मज़ा आया। लेडीज़ों के लिए तो बहुत अच्छा, ऐसा प्रोग्राम बार बार होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को एंजॉय करना मिलता है। अगर ऐसे ही प्रोग्राम, हम लोग हाउस वाइफ है तो हम लोग को एंजॉय करने ऐसे तो मिलेगा नहीं, ऐसे प्रोग्राम होगे तो हम लोग को एंजॉय करने मिलेगा ना। तो हम लोग को तो ऐसा प्रोग्राम, मैं तो ऐसा कहना चाहती हूँ मैडम जी से कि ऐसा बार बार प्रोग्राम करें, क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ है, वैसे तो हम लोग को एंजॉय करना नहीं मिलेगा, तो ऐसा रख के हम लोग को एंजॉय करना मिल रहा है। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। जो आज का प्रोग्राम था ये महोत्सव का, बहुत अच्छा था। हाँ, से और यहाँ पर आकर मतलब जितनी भी महिलाएं सारे डांस कर रहे थे, ऐसा बहुत मज़ा आया उन्हें देखकर। काफ़ी दिनों बाद ऐसा लगा हमें जी, ऐसा सब देखने को मिला है काफ़ी दिनों के बाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच।
अच्छा था और ज़्यादातर मारवाड़ी सॉन्ग्स थे और हम भी मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा डांस करके, सब कुछ देख के बहुत ही अच्छा था। कोई शाम जी के किसी मंदिर में है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डांस करें, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। और ऐसी गैदरिंग हमेशा होनी चाहिए सबके लिए, और मैं मारवाड़ी कल्चर से बिलोंग करती हूँ तो मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा। और सारे गेस्ट वगैरह उन्होंने सब अच्छी तरह से हम लोगों को अटेंड भी किया और बहुत अच्छा लगा। हाँ तो वही बोलती हूँ ना, मारवाड़ी कल्चर से बिलोंग करते तो मारवाड़ी सॉन्ग सुन के अंदर से एक डांस की इच्छा होती है, तो वो भी मैंने किया। आज भी हो गई सब ने, पीयूष जी ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, बड़ी उम्र वाले छोटे उम्र वाले सब इतना डांस किया, इतना एंजॉय किया, हकीकत में बहुत हम लोग ने एंजॉय किया। ये बहुत मस्त झूला उत्सव रखा और हमारे लिए तो ये सब लेडीज के लिए तो बहुत एंजॉयमेंट वाला था। सच काइंड ऑफ फंक्शन, फर्स्ट आई हैव बीन टू सच फंक्शन, आई डू रियली अप्रिशिएट पीयूष शर्मा, ही इज वर्किंग रियली अप्रिशिएटेबल एंड आई पीयूष शर्मा जी ने बहुत अच्छा सावन का जो महोत्सव आयोजन किया है बहुत अच्छा किया है, खास करके राधा कृष्ण के साथ डांस करके बहुत आनंद आया, बहुत इंजॉय किया। थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी और आगे हमेशा वो ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे। धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया, प्रोग्राम है इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर सब लेडीज रेडी होके आए, बहुत अच्छा नृत्य किया है, राधा कृष्ण की झांकियाँ हमको देखने को मिली है और सब हमें उपहार दिए गए।